गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज हम लोग चार्वाक दर्शन पढ़ेंगे। चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन विचारधारा में पहला विचार दर्शन है, जिसने मान्यताओं, धारणाओं तथा विचारों को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रस्ताव रखा है। वास्तव में यदि चार्वाक दर्शन ना होता तो संभवत भारतीय विचारधारा का वह रूप नहीं होता जो आज है। दर्शन को युक्ति संगत होने पर बल देकर चार्वाक ने अपने वाद के विचारकों को एक नई दिशा प्रदान किया है। भारतीय दर्शन का इतिहास साक्षी है कि चार्वाक दर्शन के बाद जो भी दार्शनिक धारा भारत में विकसित हुई है, सभी ने चार्वाक के मान्यताओं को तर्क की दृष्टि से देखकर उसकी समीक्षा कर ही अपने मान्यताओं की स्थापना किया है। क्या भारतीय चिंतन के अंतर्गत तर्क की पद्धति के प्रवर्तक के रूप में चार्वाक को याद नहीं रखा जाएगा? केवल श्राद्ध और विश्वास से ही सब कुछ नहीं है। सभी धारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, उसकी सत्यता में शंका व्यक्त करना चार्वाक की अपनी पद्धति थी, जिनके कारण बाद के चिंतकों को गहन चिंतन की समस्याएं प्राप्त हुई। अगर हम पश्चिम चिंतकों को देखें तो वहां भी डेकार्ड, ह्यूम, कांट इत्यादि ऐसे विचारक हैं जिन्होंने संशय व संदेहवाद को अपनाकर पाश्चात्य जगत के विचार धारा में क्रांति लाए हैं। इसी प्रकार चार्वाक दर्शन युक्ति तर्क निष्ठा पर बल देता है, इसलिए अपनी स्थापनाओं की औचित्यता को केवल मनमाने तथा सुविधा ढंग से स्थापित नहीं कर देता, बल्कि उसके द्वारा उन पूर्व मान्यताओं का खंडन किया है जो उसकी धारणा में गलत थे और तर्क निष्ठा की इसी खोज ने उसके विचारों को दूसरे से पृथक कर दिया है। यहाँ हम चार्वाक के सिद्धांतों में केवल ज्ञान मीमांसा को ही वर्णन करेंगे। वस्तुतः चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का उसके दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चार्वाक का तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र इत्यादि पूर्णतः उनकी परमा कहा जाता है और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के साधन को परमान कहते हैं। भारतीय दर्शन में साधारणतः ज्ञान प्राप्ति के चार साधन बतलाए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा है शब्द। परंतु चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही एक मात्र ज्ञान प्राप्ति का साधन मानता है और यह बतलाता है कि केवल इंद्रियों के द्वारा ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अपने इस मत के प्रतिपादन के लिए चार्वाक ने अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण का खंडन करना आवश्यक समझता है, क्योंकि अधिकतर दर्शन इसी विश्वसनीयता को स्वीकार करते हैं। थैंक यू।